नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज से हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है बुक रिव्यूज़। इस चैनल पे हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी हैं इस चैनल पे। आज से हम लोग एक तीसरी प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक नई सीरीज़ है जिसमें मैं बुक रिव्यूज़ करूँगा। अब इस प्लेलिस्ट पे क्या होगा कि हर हफ्ते सैटरडे को जो 7 बजे वीडियो आता है, उसमें मैं एक बुक जो मैंने पढ़ी है उसका एक रिव्यू मैं इस चैनल पर डालूंगा। आज की जो बुक मैंने सेलेक्ट करी है वो है द आर्ट ऑफ द डील बाय डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है। US के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। जब वो उनका कार्यकाल था 2016 से 2020 तक, तो बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत चीज़ों में उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत लोग उनके हेटर्स हैं, बट दूसरी तरफ उनके बहुत सारे लवर्स भी हैं। चाहे वो उनकी प्रेसिडेंशियल लाइफ हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, वो हमेशा खबरों में रहते थे, या उनकी सोशल मीडिया वाली लाइफ हो, वो हमेशा खबरों में रहते थे। अब जो बुक है दी आर्ट ऑफ द डील, ये बात करती है 1970s एंड 1980s के बारे में। इसमें जो भी डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो उन्होंने सारे इस बुक में शेयर करे हैं। एंड आप लोग जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको जो एक बिजनेस माइंड है डोनाल्ड ट्रंप का, वो आपको पता चलेगा। इसमें 1970s और 1980s में जो US था उसमें भी वही ब्यूरोक्रेसी, करप्शन एंड वही सब रेड टेपिज्म वगैरह होता था जो आज की डेट में हम लोग इंडिया में भी देखते हैं। रियल एस्टेट मार्केट जैसा इंडिया में है वैसा ही US में भी है। बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। रेंट कलेक्ट आपको करना हो तो प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिसको रेंट पे दिया आपने वो कब्जा करके बैठ जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जब आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको हज़ार तरीके के क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं। आपको जो आपके सिटी के मेयर हैं उनसे बात करनी पड़ती है, प्लस आपको म्यूनिसिपैलिटी से बात करनी पड़ती है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सप्लेन करी है अपनी इस बुक में, 1970s से लेकर 1980s तक। इस बुक में उनके जो भी बिजनेस एडवेंचर्स थे 1987-88 तक के, वो सारे कवर्ड हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ट्रंप टावर बनवाया, कैसे उन्होंने एक आइस रिंग बनवाई न्यूयॉर्क में, कैसे उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखे। अटलांटिक सिटी में एक उन्होंने होटल बनवाया, कैसीनो बनवाया, सब कुछ है इसमें। हर एक उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस वाली बुक में। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज़ दैट कि उन्होंने पूरा ये बताया है कि कैसे वो नेगोशिएशन करते थे, कैसे वो डील्स करते थे। और जैसे कि बुक का टाइटल ही है द आर्ट ऑफ द डील, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से चलना है, आपको कैसे अपने प्रॉफिट मार्जिन्स देखने हैं, कैसे आपको अपने गोल्स देखने हैं। आप बिल्डिंग बना रहे हो तो कैसे उसमें डिजाइनिंग करनी है, आपको कैसे रॉ मटेरियल्स देखने हैं, आपको कैसे क्लियरेंसेस देखने हैं, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन होता है रियल एस्टेट मार्केट में, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो इस वाली बुक से। दिस इज़ अ प्रॉपर बिजनेस बुक एंड ये आपकी नेगोशिएटिंग जो पावर होती है, नेगोशिएटिंग की जो स्किल्स होती हैं, उसको एनहेंस करने में बहुत मदद करेंगी। वो अगर बिलियनियर बने हैं तो ऐसे ही नहीं बने हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स करे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस करी हैं, उन्होंने बहुत सारी एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करे हैं इस वाली बुक में। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो उनके जो फादर थे वो, उनका रेंट कलेक्शन का ज़्यादा बिजनेस था कि वो रेंट पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह देते थे। बट डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग कुछ ऐसा था कि भाई रेंट कलेक्ट करना इट इज़ अ वेरी ग्रूसम प्रोसेस, और बहुत ही ज़्यादा उन्हें अच्छा नहीं लगता था वो वाला प्रोसेस जो है, बहुत उनको उसमें माता बच्ची लगती थी। और उनका ये होता था कि भाई अगर सोचना है तो बड़ा ही सोचो, छोटा क्यों सोचा जाए। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बुक में शेयर करे हैं। आपको एक छोटा सा बता दो, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फादर के बिजनेस में काम करना स्टार्ट करा तो उनके ऑफिस में एक बंदा काम करता था जो रेंट कलेक्ट करने जाता था। तो उसने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस दी थी कि जब हम रेंट कलेक्ट करने जाते हैं तो एक तो होता है कि हम लोग दरवाजे पर नॉक नॉक करते हैं, ठीक है, एंड हम खड़े रहते हैं कि भाई सामने वाला जो है वो दरवाज़ा खोलेगा। बट वो बंदा ये कहता कि हम नॉक नॉक करके जो है दरवाजे के साइड में खड़े हो जाते हैं ताकि हम डायरेक्टली जैसे ही दरवाज़ा खुले तो हम सामने फेस ना कर रहे हों। ये इस वजह से था क्योंकि US में उस टाइम पे एक ऐसा भी कल्चर था, आपको पता है गन कल्चर बहुत है US में, गन कंट्रोल के लॉज भी लाने बहुत ज़रूरी है US में। तो वहाँ पे एक ऐसा कल्चर था कि आप रेंट कलेक्ट करने आए हैं, जैसे आपने दरवाज़ा खोला जो आपका टेनेंट है उसने आपको गोली मार दी। इसलिए उनको ये एडवाइस दी गई थी कि भाई जब भी हम लोग रेंट कलेक्ट करने जाते हैं तो नॉक करने के बाद दरवाजे के साइड में आके खड़े हो जाओ।
जब ऐसा होगा तो कोई सामने से फायर करने की भी कोशिश करेगा तो आप उसमें बच जाओगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने शेयर करे हैं। लॉयर्स दांव पेच खेलते थे, कैसे अलग अलग चीज़ें होती थी, फ्लोर एरिया को लेके पंगेबाजी हो जाती थी, या फिर कभी कभी कितने फ्लोर बनाने बिल्डिंग में, या फिर कितने अपार्टमेंट्स बनाने, कमर्शियल स्पेस बनानी है या फिर क्लियरेंस है, लैंड डील में किस लैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई हैं। आप लोग को अगर एक प्रॉपर बिजनेस बुक चाहिए जिसमें आपको नेगोशिएटिंग पावर एंड जो डील करने की जो पावर है वो आपको अच्छे तरीके से समझाई जाए तो आपको ये बुक खरीदनी चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो तो ये मस्ट रीड है आप लोगों के लिए। आप रियल एस्टेट बिजनेस में किसी भी तरीके से आप इन्वॉल्व हो, चाहे आप ब्रोकर हो, चाहे आप बिल्डर हो, चाहे आप एक एम्प्लॉई हो या कुछ भी हो, ये बुक तो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। मेरी रेटिंग इस बुक के लिए होगी 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप लोग जब भी ये बुक पढ़ो तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करना। ये पहला जो वीडियो मैंने बनाया है बुक रिव्यू के ऊपर, ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ मेरे को इसमें चेंजेस करने हो अगले हफ्ते के वीडियो के लिए वो भी प्लीज़ लिखिएगा। अच्छा लगा वो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।